एनडीए द्वारा जीत की हैट्रिक लगाने के बाद नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि इस बार के चुनावी परिणाम में एनडीए गठबंधन के खाते में 292 सीटें आई हैं, वहीं भाजपा ने 240 सीटों पर जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर बहुमत से 20 सीट एनडीए के पास ज्यादा हैं। बता दें आपको, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद लोगों के जहन में एक सवाल घर कर रहा है कि क्या पीएम मोदी पिछले 10 साल के कार्यकाल की तरह इस बार सरकार चला पाएंगे, क्या नई सरकार चलेगी या फिर खेल बिगड़ेगा। ऐसे में सियासी समीकरण को समझने की जरूरत है। एनडीए गठबंधन के पास 292 सीटें हैं। बता दें कि कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की है। इंडिया अलायंस के खाते में 234 सीटें आई हैं, बहुमत से 38 सीटें कम हैं। प्रमुख दलों के अलावा 17 सीटों पर अन्य दलों ने जीत दर्ज की है। बहुमत में भले ही एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन सियासत में कब बाजी पलट जाए ये कोई नहीं बता सकता। एनडीए घटक दलों की बात की जाए तो भाजपा के बाद चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के पास सबसे ज्यादा 16 सांसद हैं। इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के पास 12 सांसद हैं। ये दोनों अपनी शर्तों पर सियासत करते हैं, जरा सा भी ऊंच नीच होते ही राजनीतिक समीकरण ही बदल देते हैं। बता दें कि सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने जो पोर्टफोलियो की डिमांड की थी, भाजपा ने उसे खारिज करते हुए नए विभागों की जिम्मेदारी दे दी है। ऐसे में नायडू और नीतीश कुमार बेस्ट एंड बॉच की स्थिति में हैं। नई सरकार बनने के बाद एनडीए के प्रमुख दलों को समय चाहिए, भाजपा को समय चाहिए कि कैसे वह 240 से 272 के आंकड़ों को पाले, ताकि प्रेशर पॉलिटिक्स से निजात मिल सके। नायडू इस इंतजार में हैं कि लोकसभा अध्यक्ष उनकी पार्टी बने। सूत्रों की माने तो नायडू की पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष को महागठबंधन भी समर्थन देने पर राजी है। सियासी समीकरण को देखते हुए आंकड़ों की बात करें तो टोस एनडीए के पास 292 सीटें हैं। इसमें डीडीपी की 16 सीटें और जेडीयू की 12 सीटें घटा दें तो राजग के पास 264 सीटें ही बचेंगी, जो कि बहुमत से 8 सीटें कम है। यानी कि नायडू और नीतीश ने साथ छोड़ा तो मौजूदा सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ऐसी ही न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।